अब आप देखिए मैडम, किसी को भी तर्क से समझाया जा सकता है, या प्यार से, या चलो डांट के भी, लेकिन अपनी जया पे तो कोई तरीका काम नहीं करता। अभी देखिए ना, अभी हमारे बच्चों को समझाने के लिए ही हमें कितने अलग अलग तरीके अपनाने पड़े हैं। देखिए, आनंद तो बिना बहस किए मान जाता था, श्रद्धा को सिर्फ और सिर्फ तर्क की जरूरत होती थी, आशीष को फुसलाना पड़ता था, तो ईशान को आनंद और आशीष का उदाहरण देके समझाना पड़ता था। इसी तरह जया को समझाने का भी कोई ना कोई तरीका जरूर निकल आएगा। अरे मैडम, आप कोई भी तरीका अपना लीजिए, जया के दिमाग में कोई बात नहीं जाएगी। ऐसी बात नहीं, जया आओ बेटा, तुम भी थोड़ा टहल लो हमारे साथ, खाना खाने के बाद टहलना अच्छा होता है सेहत के लिए। आ जाओ, आओ। तुम्हें क्यों लग रहा है हम तुम्हारी बुराई कर रहे हैं? ये बात तो तुम समझ सकती हो ना कि घर में इतना कलेश होने के कारण घर का माहौल एकदम खराब हो गया है। तुम जिस तरह आजकल बड़ों से बातें कर रही हो, क्या तुम्हें ठीक लगता है बेटा? पर घर के बड़े जिस तरह से मुझसे बात करते हैं, वो ठीक है क्या? सब ये चाहते हैं कि मैं चुप रहूं, पर घर में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो क्या उसके खिलाफ आवाज भी ना उठाऊं? मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें बुरा लगा कि हमने जमीन बेची, क्योंकि तुम्हें लगता है उस जमीन पर आशीष का हक था, पर तुम ये कैसे भूल गए कि हम आशीष के माता पिता हैं? कल भगवान न करे उसे पैसों की जरूरत पड़ गई तो उसका इंतजाम भी हम ही करेंगे ना। हम सब एक परिवार है, ये घर है ना, ये तुम्हारा है, तुम इस घर का भविष्य हो, इस घर को तुम्हें आगे चलाना है। कैसे चला पाओगी अगर हम घर में नहीं है, मैं नहीं हूँ, किटू नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कैसे संभाल पाओगी बेटा सब कुछ? इसीलिए अभी थोड़ी मदद करोगी, कुछ काम सीखोगी, तब जाके ही संभाल पाओगी ना अच्छे से। तो कल से अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद से आगे बढ़कर काम में हाथ बटाओगी ना। आपने देखा ना, ठंडे दिमाग से कितनी अच्छी तरह से बात समझी उसने मेरी। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और वो समझ गई। अरे मैडम, कुछ नहीं समझी है वो, आप भैंस के आगे बीन बजा रही थी। अब ये तो कल सुबह ही पता चलेगा कि मैं भैंस के आगे बीन बजा रही थी या पौधे को पानी दे रही थी। मैडम आप भी बहुत जिद्दी, आइए। आनंद जी पापा, यार वो पुरुषोत्तम जी को जो पेपर दिए थे वो बिल्कुल प्रॉपर है ना यार? सारा पेपर वर्क कंप्लीट है पापा, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। अरे मैं टेंशन नहीं ले रहा भाई, सिर्फ पूछ रहा हूँ। और तुमको हर बात में ऐसा क्यों लगता है कि मैं टेंशन ले रहा हूँ? पापा चाहे जया तेरी मदद नहीं कर रही ना? मैं सब संभाल लूंगी पापा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे भाई मैं टेंशन नहीं ले रहा, मैं तो मैडम मैंने आपसे कहा था ना, जया कोई काम नहीं करेगी, वो समझ ही नहीं सकती। समझ तो गई थी पापा जी, पर क्या करूं, सुबह से मेरी तबीयत ही खराब हुई पड़ी है। क्या हुआ बेटा? मम्मी जी सर इतना दुख रहा है ना, बिस्तर से सो के उठी ना तो चक्कर सा आ रहा है। मैं तो श्रद्धा दीदी की मदद करूंगी, सोचा थोड़ा सा काम में हाथ बटा दूंगी, और यहाँ तो सर इतना दुख रहा है कि चला ही नहीं जा रहा है, काम क्या खाक करूंगी। सॉरी मम्मी जी, मैं किसी की चाह कर भी कोई मदद ही नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है जा अपने कमरे में आराम कर। आप
आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ मम्मी जी, संभाल लेना। अच्छा पापा। नानू। अरे तू स्कूल नहीं गया? दो दिन की छुट्टी है। अरे वाह, तो फिर क्या प्रोग्राम बनाना है? मुझे किट्टू मम्मी के घर जाना है। कुणाल अंकल ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज वो मेरे साथ 3D गेम्स खेलेंगे। अरे वाह, आप मुझे वहाँ ले जाएंगे ना? बेटा उसके लिए तो तेरी मामी को फोन करना पड़ेगा। फोन दे। पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा जी। आपने सुबह की दवाई खाई या नहीं? हाँ भाई खा ली। अच्छा ये रहे, ध्रुव से बात कर। मामी। मामी। अरे मेरा बच्चा कैसा है तू? कैसे अच्छा होगा, आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। चल झूठे बदमाश, तू मुझे नहीं अपने कुणाल अंकल को मिस कर रहा है ना? उन्होंने तुझे 3D गेम्स खिलाने का वादा जो किया है। मैं आपको भी मिस कर रहा हूँ और अंकल को भी, 50-50। तो एक काम करना, तू और श्रद्धा दीदी दोनों यहीं पर आ जाओ, मैं भी तुम्हारी मम्मा को ना बहुत मिस कर रही हूँ। ये मम्मा मामी हमें वहाँ पर बुला रही है, जाएंगे ना? नहीं ध्रुव। अरे क्यों भाई? मामी मम्मा कह रही है कि हम नहीं जाएंगे। अच्छा उनकी इतनी हिम्मत, तो जरा फोन उनको। हेलो दीदी, क्यों मना कर रही है आप? किट्टू वो मैं जानती हूँ दीदी आप क्यों नहीं आना चाहती, पर दीदी आप पिछली बातों को भूल जाइए ना प्लीज। देखिए ध्रुव का कितना मन कर रहा है यहाँ आने का, मेरे लिए ना सही ध्रुव की खातिर ही आ जाइए ना प्लीज। मम्मा चलो ना प्लीज। अरे इतना कह रहा है, ले जाना बेटा। अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। मम्मा हाँ बोल दो ना प्लीज। अच्छा पापा ठीक है। ये मैं एक काम करती हूँ, कुणाल भैया उसी रास्ते से आ रहे हैं तो उन्हें कह देती हूँ आपको पिकअप कर लेंगे। कामिनी आंटी भी ना जब भी कॉल करो बिजी रहती है कहीं ना कहीं। अरे ऐसा क्या अर्जेंट काम हो गया कामिनी आंटी से? अरे तुमसे मतलब, तुम लगे रहो अपनी फाइलों में। ए जानू तुम आजकल कैसे बात करने लग गई हो? और ये सर पे चुन्नी क्यों बांध दिए? सुबह उठी थी तो ठीक थी, सरदर्द का नाटक कर रही हो। जया मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम सरदर्द का बहाना इसलिए कर रही हो ना ताकि तुमसे कोई काम ना करवाए? तो क्या चाहते हो, मैं गुलाम बन जाऊँ इस घर में सबकी? ऐसा कौन कह रहा है जानू? देखो आशीष, तुम जब मेरे सामने अपने घर वालों की तरफदारी करते हो ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है भाई। अरे क्या कुछ गलत नहीं किया उन्होंने तुम्हारे साथ? पहले तो तुम्हें बिजनेस से निकाल दिया, वो अलग बात है कि वापस ले लिया, और अब देखो तुम्हारे नाम की जमीन भी बेच दी। जानू पुरानी बातें क्यों याद कर रही हो? और मैं घरवालों की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं बस तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, मैं पति हूँ तुम्हारा। कल को पापा फिर से यही बोलेंगे, अपनी बीवी को तो संभाल नहीं सकता तो बिजनेस क्या संभालेगा? बिजनेस की तो तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे करोड़ों का बिजनेस होगा तुम्हारा। अरे 20 लाख रुपए के लिए तो तुम्हें जमीन बेचनी पड़ गई। जया सरदर्द कम हुआ बेटा? सरदर्द हाँ, सर तो फट ही रहा है, साथ में शरीर भी बहुत तप रहा है। ओहो मतलब बुखार चढ़ रहा होगा, चेक करना पड़ेगा। थर्मामीटर कहाँ है? नहीं मम्मी जी रहने दीजिए ना, बुखार में चेक करना पड़ता है। अरे उसकी क्या जरूरत है, चिल्ला क्यों रही हो जया? चिल्ला नहीं रही मम्मी, वो थोड़ा इरिटेटेड है ना, उसको मैंने अभी कड़ी सी दवाई खिलाई है जबरदस्ती, इसीलिए। लेकिन आप घबराइए मत मम्मी, ठीक हो जाएगी। ठीक है पर बुखार चेक जरूर कर लेना। सॉरी मम्मी जी,
वो क्या है ना, बुखार की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई हूँ। थोड़ा सा आराम कर लूंगी ना तो फिर आपकी मदद के लिए आ जाऊंगी। थैंक यू बेटे, पर आज के दिन तुम आराम ही कर लेना, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे अकेले क्या क्या करेंगे आप, श्रद्धा दीदी भी तो जा रही है ना, उन्हीं को रोक लीजिए ना अपनी हेल्प के लिए। अरे नहीं, जाने दो उसे, सच में मुझे मदद नहीं चाहिए। तुम आराम करना हाँ बेटे। तुम साफ सफाई में क्यों लगे हो, मैंने तुमसे खुशी को कवर लगाने को कहा था ना। हाय हाय, ये सब खत्म कब होगा। अरे वाह मम्मी, इतनी सारी तैयारियां शैयारियां, कोई आ रहा है घर पे? माता की चौकी भी तो है ना शाम को। कुणाल के होने वाले ससुर है ना, उनका फोन आया था, उनके पास सगाई का कार्ड छप गया है, तो यहाँ आ रहे हैं पहला इनविटेशन देने। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं एक काम करती हूँ, उनके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। और वो कचौड़ी? अरे वो तो बनानी ही पड़ेगी, मैं अभी आई। अरे तुम कहाँ हो, कुशन का कवर लगाओ ना। हेलो, हाँ जी हाँ बोल। आंटी जी, मैंने आपको फोन लगाया, आपने फोन उठाया क्यों नहीं? नेवर माइंड कर बेटा, पर मैं ना बहुत बिजी हूँ, वो आज लड़की वाले घर आ रहे हैं ना, और शाम को माता की चौकी भी है ना। अच्छा, लेकिन ऐसे में कुणाल भैया करो, वो श्रद्धा दीदी को वहाँ पर लेके आना ठीक रहेगा क्या? लड़की वाले क्या सोचेंगे? या वो दोनों को लेकर यहाँ आ रहा है? ये लो, अब ये भी नहीं बताया आपको कितनी भाभी ने। अरे ऐसी बातें क्यों छुपाती है वो आपसे? अरे मम्मी, आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, श्रद्धा दीदी और ध्रुव आ रहे हैं घर, कुणाल भैया बस उन्हें लेकर पहुंचते ही होंगे। किट्टू तो रुक। अच्छा जी मैं रखती हूँ फोन, आपको और भी 50 काम होंगे करने को, लड़की वाले जो आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। किट्टू क्या जरूरत थी तुझे उन दोनों को यहाँ बुलाने की? अरे मम्मी वो एक्चुअली ध्रुव मुझे बहुत मिस कर रहा था, मैंने सोचा उसे यहाँ बुला लेती हूँ। तो मेरी बेटी होकर ऐसा कैसे कर सकती है किट्टू? हाय किस जन्म का बदला ले रही है तू मुझसे? ओ मम्मी ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया? यहाँ लड़की वाले होंगे, तेरी ननन से मिलेंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे, उसका वो गुजरा हुआ गंदा कल सबके सामने नहीं आ जाएगा? मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो, मैं हूँ ना संभालने के लिए। देखना मैं ऐसी कचौड़ियां बनाऊंगी कि वो और कुछ पूछने के होश में ही नहीं रहेंगे। अब टेंशन ना लो। टेंशन ना लो, ये लड़की कुछ समझती क्यों नहीं? ध्रुव वहां जाके वीडियो गेम की जिद मत करना, ओके? पर मम्मा उनके पास बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं। मैं तो डिसाइड भी कर लिया है कि कौन सा वीडियो गेम पहले खेलूंगा और कुणाल अंकल के साथ रेस लगाऊंगा। पापा इसे समझाइए ना, वो समझदार बच्चा है, उसको मालूम है दूसरों के घर जाके कैसे बिहेव करते हैं। क्यों ध्रुव बेटा नहीं खेलेगा ना? समझ गया नानू, नहीं खेलूंगा। देखा क्या हो रहा है? वीडियो गेम कह रहा था खेलने के लिए। ये क्या है, अभी तक तैयारी नहीं हुई है? अभी कुणाल आता होगा, जा जाकर तैयार हो जा। मम्मा बस थोड़ा सा ही काम है, मैं निपटा लेती हूँ। अरे मैं निपटा लूंगी बाबा। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? कोई तकलीफ नहीं होगी, जा जा जल्दी जा तैयार हो जा। श्रद्धा दीदी चली गई ना तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मम्मी जी मैं सोच रही थी कि मैं भी दीदी के साथ भाभी के घर चली जाती हूँ उनसे मिलने। अरे तुम्हारी तबीयत खराब है ना? हाँ इसीलिए तो, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, भाभी की याद आ रही थी तो सोचा उनसे मिल लेती हूँ जाके। जया बेटे अच्छा नहीं लगता ऐसे सब लोगों का जाना। सब कौन? दीदी ध्रुव और मैं, बस हम तीन ही तो जाएंगे। तुम करोगी क्या वहाँ जाकर जया? वही जो श्रद्धा दीदी करेंगी, कुछ नहीं। मजाक कर रही हूँ, अरे सबसे मिलूंगी और क्या, कामिनी आंटी भी तो मुझे अपनी बेटी जैसी मानती है ना। वैसे भी मैं यहाँ रह के क्या करूंगी, कोई काम तो कर नहीं पाऊंगी, उल्टा आपको ही मेरी देखभाल करनी पड़ेगी यहाँ पे। इससे तो अच्छा है कि मैं दीदी के साथ ही चली जाती हूँ। अच्छा
ठीक है जाओ, जाना है ना, जाओ। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी नाश्ता तो रेडी हो गया, मेहमान आने से पहले इसे हॉल में लगा दे। गर्मा गर्म कचौड़ियां और जलेबी, आप क्या खाएंगे इसमें से? कुछ नहीं। अरे क्या हो गया? जैसे कि तू कुछ जानती ही नहीं ना, क्या जरूरत थी श्रद्धा को यहां बुलाने की? क्या सोचेंगे वो लोग? ये सोचेंगे कि मेरी ननद मुझसे मिलने आई है। आप इतना ज्यादा मत सोचो, आप ना गर्मा गर्म समोसे खा लो। किट्टू, हर बात को ना मजाक में उड़ाने की जरूरत नहीं है। फोन कर तो उसे और मना कर यहाँ आने के लिए। अरे ऐसे कैसे मना कर दूं मैं? ओ मम्मी, अब देखो बेचारे ध्रुव का तो दिल ही टूट जाएगा, और वैसे भी कुणाल भाई अब तक उन्हें लेने के लिए पहुंच भी चुके होंगे। हाय हाय, एक तो मेरा बेटा बेचारा इतना भोला भाला है। नेवर माइंड किट्टू, पर तेरी वो चंड चपट ननद वो ना भला फुसला रही है मेरे बेटे को। देखिए मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सोच रही हो। सिंपल सी बात है, ध्रुव को कुणाल भैया के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, और कुणाल भैया को ध्रुव के साथ। कुणाल अंकल कब आएंगे? तुमने मुझे कुणाल अंकल के बारे में एक भी बार पूछा ना, तो देखना मैं तुम्हें वहां लेकर ही नहीं जाऊंगी। ओके, नहीं पूछूंगा। ध्रुव। हाय। हाय। ध्रुव। ये कम है चैंप। यो। अरे आज इतना हैवी हो गया है, क्या खाया? चल। दिमाग खाया है इसने आज मेरा, परेशान करके रख दिया है। सुबह से कुणाल अंकल कहाँ है, अब तक क्यों नहीं आए, परेशान कर दिया है। अपनी मम्मी को परेशान करता है? एक्चुअली ना मम्मी को परेशान करना मेरा भी फेवरेट पास टाइम है। क्या सिखा रहे हैं आप मेरे बेटे को? कुछ नहीं, बस हम तो ऐसे ही। चल तुम दूध पी लो जल्दी। वैसे आंटी कहाँ है? वो बगल में अरोड़ा अंकल के घर पर गए हैं। और आप रेडी हैं? हम चले? पहले शैतान मेरा काम जो बढ़ाया है वो तो खत्म कर लूं। मैं आपकी मदद कर दूं? आंटी को बताने में ना बड़ा मजा आएगा। मजा? अभी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि आपको चिढ़ाने में हमें मजा आएगा? अरे ध्रुव मुझे मिस कर रहा था इसलिए मैंने उसे यहाँ बुला लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तब तो मुझे पता भी नहीं था कि कुणाल भैया के ससुराल वाले हमारे घर पे आ रहे हैं। मम्मी अगर पता भी होता ना तो भी मैं दीदी को यहाँ बुला लेती, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते। हाँ पर मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि ये मेरे बेटे की शादी का सवाल है, उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। श्रद्धा के लिए तो शादी मजाक होगी, घर से भाग कर गई थी ना वो, पता नहीं फेरे शेरे लिए थे कि भी नहीं, और फिर क्या किया, शादी तोड़ दी, तलाक ले लिया। अब ऐसी लड़की अगर घर में होगी तो बातें होंगी कि नहीं? नेवर माइंड किट्टू, पर देख तेरी श्रद्धा दीदी की वजह से अगर मेरे बेटे का रिश्ता टूटा ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मम्मी मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप नहीं जानती है श्रद्धा दीदी इतनी अच्छी है कि अच्छी उसकी अच्छाई का अचार डालू मैं? उससे कहे कि अपनी अच्छाई ना अपने घर में रखे, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, और उसे इस घर से दूर रख, और मेरी कुणाल से तो ना कोसों दूर। तुझसे तो ये होगा नहीं, ठीक है मैं ही बात कर लेती हूँ। मम्मी मम्मी प्लीज आप श्रद्धा दीदी से कुछ मत कहिए, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमेशा आप श्रद्धा दीदी के बारे में इतना बुरा क्यों सोचती है। ठीक है आप यही चाहती है ना कि
कि वो दोबारा इस घर में कभी ना आए, ऐसा ही होगा। ये आखिरी बार है जो वो इस घर में आएंगी। नहीं बुलाऊंगी मैं उन्हें दोबारा। अच्छा है, पर ये भी याद रखना कि आज लड़की वालों के सामने वो ना आए। दूर रखना उसे सबसे। मैं नहीं चाहती कि उस मनहूस की परछाई किसी भी शुभ काम में पड़े। पापा जी प्लीज, कुछ भी बुरा मत होने देना। अगर मम्मी का डर सच हो गया तो श्रद्धा दीदी के नाम पर हमेशा के लिए दाग लग जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।